तो गाइस ये रहा पूरी तरह से हमारा डेकोरेशन, सिंपल है लेकिन सोनू का आइडिया अच्छा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। तो कैसे सब लोग? तो आज हम करने वाले हैं गणपति बप्पा का डेकोरेशन, तो उसके लिए जो सामान लगता है वो सोनू और मैं लेके आए। आप देख सकते हैं पीछे तैयारी में लगी है सोनू और उसकी हेल्प करूंगा मैं अभी जाके। तो चलो फटाक से हम करते हैं और आपको भी देखने मिलेगा आज हम कैसे बनाते हैं डेकोरेशन। तो हेलो गाइस, तो मैं लेके आया हूँ ऐसे फूल और ये थर्माकोल जैसी चीज है, बट इस पे मैं अभी पिन अप करने वाली हूँ फूल्स। तो सब डेकोरेशन होने के बाद मैं आपको बताऊंगी। और ये पे प्रमोट कर रहा है टाइम पास, कुछ उसको तो आता नहीं कर टाइम पास नहीं कर रहा, ये तुम्हारे लिए प्यार से। थैंक यू। आज आ रही गर्लफ्रेंड की याद। अरे नहीं, उसके लिए भी लेके आया मैंने, इसको तो स्मेल भी नहीं है। तो चलो गाइस अभी मैं बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ बाद में। गाइस आप देख सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में कुछ तो गेम्स खेल रहा हूँ। और ये ऊपर से हंस रही है, देखो देखो, वाओ। आधा काम तो हो चुका है, अभी उसके ऊपर और डेकोरेशन करने वाले हैं हम। तो आप देख सकते हैं ये किया प्रमोद ने सारा काम, अप्रिशिएट गाइस। तो चलो 50% काम हो गया है। ये हंस रही है। तो गाइस ये रहा हमारा होममेड बप्पा का डेकोरेशन, कैसा लग रहा है? और इसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद लाइटिंग वेटिंग छोड़ने वाले और थोड़ा सा उसको सजाएंगे। चलो गाइस मैं अभी टेबल लेके आता हूँ, टेबल भी डेकोर करना है। तो गाइस ये रहा पूरी तरह से हमारा डेकोरेशन, सिंपल है लेकिन सोनू का आइडिया अच्छा है। मतलब मेरे को वो बोली कि डायरेक्ट जो रेडीमेड है वो लेने से अच्छा है मैं घर में बना देती हूँ, तो अच्छा हुआ है, मस्त लग रहा है। रात को मैं और भी अच्छा लगेगा रात को, कभी कभी सोनू का सुना ना मैंने तो अच्छा होता है। तो अभी पहली बार हमारे घर में आएंगे गणपति बप्पा मोरिया, तो इसलिए ये छोटा सा सरप्राइज पप्पा के लिए। तो चलो गाइस अभी मैं रेडी होती हूँ, तो प्रमोद आपसे बोलेगा। अभी मैं जाऊंगा पबजी खेलने के लिए। पागल। तो चलो गाइस मैं पबजी खेलता हूँ और बाद में सिर्फ फिर टाइम पास करता हूँ। गाइस हमारा पप्पा का डेकोरेशन हो गया है, अभी रिशु के साथ मस्ती भी हो गई, इसको लगे अभी भूख, तो सोनू उससे खाना बना रही है। चलो मैं आपको तब तक लाइटिंग वगैरह सब दिखाता हूँ मैं। तो ये रही हमारे बप्पा की लाइटिंग, ये सब कुछ सोनू को क्रेडिट जाता है क्योंकि उसका ही आइडिया था रेडीमेड नहीं लेने का, मैं सब कुछ घर में ऐसे करूँगी। और ये है लाइट वाला दिया, मस्त है ना। तो ऋषि रोने लगा है, लाइट लगाओ, ये देखो दिया, लाइट लगाओ, लाइट लगाओ, रो रहे हो, रो रहे हो, लाइट लगाओ। हम पापा की मूर्ति आज ही लेके आए क्योंकि उनके पास, गाइस पापा की मूर्ति हम आज ही लेके आए, बट उसको रिवील हम परसों करेंगे जब गणपति बैठेंगे हमारे घर पे। तो चलो आज हमें पसंद आया इसलिए हम लेके आए दगडूशेठ। और जैसे चाहिए थे वैसे दो दिन से हम ढूंढ रहे थे और फाइनली आज मिली, उसे मिली सोनू को सेम वैसी मूर्ति मिली, क्योंकि अगर मैं वहां पे रखती और कोई और लेके जाता तो